नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन दुबे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप अगर नॉर्मल टीवी से एंड्रॉइड टीवी करने के लिए ये अमेजॉन फायर स्टिक खरीदा हुआ है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों आपके अमेजॉन फायर स्टिक से किसी भी समस्या का समाधान दोस्तों घर बैठे आप कर सकते हैं। चाहे दोस्तों आपके एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम हो या दोस्तों डिवाइस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो दोस्तों इसी वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे अपनी समस्या को समाधान कर सकते हैं। डिवाइस का जो भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, चाहे हार्डवेयर से रिलेटेड हो या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे आप अपने अमेजॉन फायर स्टिक की प्रॉब्लम्स को दोस्तों घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि आप अमेजॉन कस्टमर केयर में कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अपने फायर स्टिक को लेकर। जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों, आप उसे पहले रिसेट कैसे करेंगे दोस्तों, अगर आपको यूट्यूब या किसी भी एप्लीकेशन में देखने में प्रॉब्लम हो रहे हैं दोस्तों, तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको जो सबसे पहले रिमोट के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पे दोस्तों आपको जो है पहले ये वाले बटन पे आना है दोस्तों, कुछ इस तरीके का आइकन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे दोस्तों मैं सेटिंग वाले ऑप्शन में हमें यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों हम स्क्रॉल करके हम सेटिंग में जाएंगे, आपके सामने मैं लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों सेटिंग में आने के बाद हमें कुछ इस तरीके का आइकन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा, अगर आपके टीवी में फायर स्टिक में कोई भी दिक्कत होता है तो दोस्तों सबसे पहले हमें माई फायर टीवी ये वाले ऑप्शन में आपको जाना है। जैसे कोई एप्स आपका नहीं चल रहा है या कोई एप्स डाउनलोड हुआ है तो वो वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपर ठीक तरीके से, और या ही दोस्तों आपके जो फायर टीवी का सॉफ्टवेयर है दोस्तों अगर रन नहीं कर रहा है तो आपको सबसे पहले माई फायर टीवी में यहाँ पे आना है। दोस्तों माई फायर टीवी में आने के बाद यहाँ पे आप दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे आपको तीन चार ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों रिस्टार्ट करके ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रिस्टार्ट का ऑप्शन करेंगे दोस्तों आपका फायर टीवी में जो भी एक बार रिस्टार्ट करके चेक करें, हो सकता है कुछ पावर सप्लाई से रिलेटेड कोई इशू हो या दोस्तों सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई इशू रहेगा तो यहाँ पे दोस्तों एक बार रिस्टार्ट करके चेक करें। देन अगर रिस्टार्ट करने के बाद भी दोस्तों अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको दोस्तों नीचे दिए हुए रिसेट टू फैक्ट्री डिफॉल्टर, तो दोस्तों इस पे आप करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ये करने के बाद आपका जो भी एप्स होगा दोस्तों वो डिलीट हो जाएगा। आपने जो भी यूट्यूब का अकाउंट हो या फेसबुक का अकाउंट या फिर जो भी एप्स दोस्तों आपने लगाया होगा वो सारे चीज डिलीट हो जाएंगे। एक तरीके से नया जो है फायर स्टिक आपका बन जाएगा। आपको बाद में दोस्तों ये पूरा फॉर्मेट हो जाएगा, फॉर्मेट होने के बाद आप जो है नया ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो या दोस्तों कोई भी आपका एप्स हो, आप वो वापस आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रिसेट फैक्ट्री करने के बाद दोस्तों अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, अगर आपके डिवाइस में प्रॉब्लम है, हार्डवेयर में इश्यू है, तो आपको दोस्तों यहां से बैक करके ये वाले ऑप्शन से बैक करके आना है। यहां पे दोस्तों हेल्प वाला ऑप्शन है, अगर आपने हेल्प वाले ऑप्शन पे दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों हेल्प वाला ऑप्शन, तो आपको कुछ इस तरीके से दोस्तों मेरा नेट स्लो है, जैसे ये ओपन होता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों काफी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपका डिवाइस का हेल्थ यहाँ पे चेक करके बताएगा कि आपका डिवाइस का हेल्थ कैसा है, किस तरीके का है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रबल शूट करके ऑप्शन है, यहाँ पे आपको हेल्प का टॉपिक मिलेगा, आपका क्या इशू है एक्चुअल में उसके बारे में यहाँ पे आपको दोस्तों बता देगा, अमेजॉन की फायर टीवी के रिलेटेड, मॉनिटर के रिलेटेड, या दोस्तों आपका रिमोट अगर प्रॉपर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है उसके लिए भी यहाँ पे आप दोस्तों रिसेट पे क्लिक करेंगे तो आपका रिमोट जो है दोस्तों अपर प्रॉपर तरीके से जो भी रिमोट का और डिवाइस का कनेक्शन है वो दोस्तों प्रॉपर हो जाएगा। और या तो दोस्तों यहाँ पे आपको रिस्टार्ट योर फायर टीवी डिवाइस, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो भी बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे ऑडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा वो आपको ठीक करके मिल जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं, अगर इसके अलावा भी आपका डिवाइस अगर अंडर वारंटी में है तो दोस्तों आपको कंप्लेन करके आपका डिवाइस जो है वापस एक्सचेंज करके मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें बैक करने के बाद तो दोस्तों यहाँ पे हमें वापस हेल्प वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे दोस्तों हेल्प वाले ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको जो है यहाँ नीचे आपका इश्यू सॉल्व नहीं होता है, तो यहाँ पे दोस्तों दो तरीके से आपका फीडबैक है। एक तो आप कम्युनिटी के थ्रू दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हैं, आस्क द कम्युनिटी, ये वाले ऑप्शन पे आप जा सकते हैं, या तो दोस्तों कस्टमर के थ्रू डायरेक्ट अपना कॉल करके अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों मैं बात करूं अगर आपको कस्टमर केयर में कैसे कॉल रजिस्टर करना है, दोस्तों मैं इस पे अभी क्लिक कर रहा हूं अपने रिमोट के थ्रू। दोस्तों जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, या अगर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं होगा तो आपको दोस्तों यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे कॉल मी करके ऑप्शन आएगा। दोस्तों यहाँ पे कॉल मी करके ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपको अमेजॉन कस्टमर की तरफ से आपको डायरेक्ट कॉल आएगा, कस्टमर टीम की तरफ
हिसाब से आप उनको अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होगा। अगर आपका डिवाइस अंडर वारंटी में होगा तो आपको जो है नया डिवाइस आपको मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस नंबर पे आप दोस्तों कॉल भी कर सकते हैं, अगर आप इंटरनेशनल अगर आप इंटरनेशनल में रह रहे हैं दोस्तों, अगर आपके घर के कोई प्रॉब्लम है, अगर आप इंटरनेशनल में ट्रैवल कर रहे हैं तो दोस्तों आप इस नंबर पे भी कॉल करके आप अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों बैक करके मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, एक तरीके से आप दोस्तों वहां से आप वापस से भी कर सकते हैं। आप चाहे तो दोस्तों कस्टमर केयर ईमेल आईडी पे भी आप दोस्तों यहां पे देख सकते हैं सेंड मी फीडबैक। यहां पे दोस्तों आप अपना जो है ईमेल आईडी के थ्रू दोस्तों यहां पे आपको बारकोड आएगा, स्कैन करके आपको एक ईमेल आईडी जनरेट होगा, यहां पे दोस्तों आप अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूं ये वीडियो आपकी काफी मदद करने वाली है। तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चले मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।